हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीत। जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी सस्ते में आ रहे हैं, मगर दोस्तों वीएसपा जो यस एक्सल 150 है, जो इसका प्राइस काफ़ी हाई लेवल पे है दोस्तों। इलेक्ट्रिक तो नहीं है दोस्तों, ये आपको 150 सीसी का इंजन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी हैवी बाइक है दोस्तों, और इसके माइलेज क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी बताएंगे, और इसका प्राइस क्यों हाई है दोस्तों, क्या है इसका हाई प्राइस, उसके बारे में भी जानेंगे। ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, इसका एक शोरूम, और इसमें आपको मल्टीपल कलर देखने को मिल जाते हैं। आप कोई भी कलर लीजिए दोस्तों, काफ़ी अच्छे इसमें लगते हैं। सबसे अच्छा इसमें का ये कलर है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पूरी जानकारी के साथ। प्राइस के बारे में डिटेल्स जानेंगे, उससे पहले आप इसके वेरिएंट देख लीजिए, आपको कितने वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। ये आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी। एक यस एक्सल 150 स्पोर्ट में आपको 1,65,940 रुपये ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगा। दूसरा आपको यस एक्सल 150 फेसलिफ्ट आपको 1,69,848 रुपये, और तीसरा आपको यस एक्सल 150 रेसिंग सिस्टम के साथ आपको देखने को मिलेगा 1,76,000 रुपये, जो कि ऑन रोड प्राइस। तीन वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें आपको 150 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, और बात करें इसके माइलेज की दोस्तों, तो आपको 35 किलोमीटर आपको माइलेज दे देगी। इसका हेडलैम्प आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, और इसके मीटर की बात करें तो इस प्रकार से इसके इंजन आपको इस प्रकार से आपको राइट साइड ग्रिप इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। और रही बात दोस्तों इसके लेंथ की, तो आपको काफ़ी अच्छा इसका लेंथ देखने को मिल जाता है, जो कि सही है दोस्तों। और इसका मैक्सिमम पावर की बात करें तो आपको 10.32 BHP का इसमें आपको पावर देखने को मिल जाता है। रही बात इसके वेट की, तो वेट इसमें आपको 114 kg इसका वेट देखने को मिल जाता है। इसका सीट हाइट की बात करें तो आपको 770 mm सीट हाइट देखने को मिल जाता है। और रही बात इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, इसमें आपको 7 लीटर यानी 7.4 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इसका एक शोरूम प्राइस आपको 1,48,000 रुपये, और RTO आपको 13,000 रुपये, और इंश्योरेंस आपको 7,000 रुपये देखने को मिल जाते हैं। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,69,848 रुपये देखने को मिल जाएंगे। डिटेल्स आप देखेंगे, इसका जो साइलेंसर है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है, साइलेंसर मफलर, और इसका जो हेडलाइट है दोस्तों, आपको जैसे लगता है कि आपको ये हेलोजन है, मगर दोस्तों हेलोजन उतना नहीं है दोस्तों, ये आपको काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको लोगो देखने को मिल जाता है। इसका हेडलाइट आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है करता है, जो कि काफ़ी ओल्ड कलर की ये मॉडल है दोस्तों, और आप देख ही सकते हैं। आप इसके मिरर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं, बुलेट टाइप का काफ़ी मजबूत इसका मिरर आपको देखने को मिल जाता है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों इसको EMI पे भी ले सकते हैं या नहीं, तो चलिए उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। इसमें तो आपको जैसे पूरा फीचर्स देखने को मिल जाता है जैसे न्यू में आती है, मगर दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अलग इसका लुक देखने को मिलेगा, शायद इस वजह से इसकी प्राइस काफ़ी हाई है। और अगर आप इसे EMI पे लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कम से कम 60,000 रुपये डाउन पेमेंट कीजिए, क्योंकि 1.5 लाख के लगभग इसका प्राइस है। और इसका बूट स्पेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, जो कि सीट के नीचे होता है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा इसमें आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा। ये आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, और मैं आपको बता रहा था दोस्तों, जैसे कि आप 60,000 रुपये डाउन पेमेंट कीजिए, क्योंकि 60,000 रुपये सही रहेगा, क्योंकि 1,50,000 तक इसका ऑन रोड प्राइस है, और लोन अमाउंट आपका जो बनेगा वो आपका 1,09,000 का तब बनेगा, अगर आप 60,000 रुपये डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो। अगर 36 मंथ का कराते हैं दोस्तों, तो आपको 11.25% का इंटरेस्ट लगेगा, जो टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,06,764 रुपये। अगर आप पर मंथ का निकालेंगे दोस्तों, तो आपको 4,065 रुपये पर मंथ का आपको EMI पे करना होगा 36 मंथ तक। चलिए दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।